ये रिश्ते क्या करा रहा है, मैं आरोही करने वाली है एक ऐसा काम जो कि इस कहावत को पूरी तरह से सच करता नजर आने वाला है। जहाँ पर जिस तरह से वो अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर रही है, वो अभिमन्यु को ब्लैकमेल करते करते ये भूल गई कि आखिरकार उसे क्या अभिमन्यु से मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। तो अब इसी हड़बड़ाहट में आरोही अभिमन्यु से कुछ ऐसा मांगने वाली है जिससे अब पर्दाफाश ज्यादा नहीं होगा। जहां पर हम देखने वाले हैं कि आरोही अभिमन्यु से मनीष गोयनका को मनाने के लिए कहने वाली है, उनसे माफी मांगने के लिए कहने वाली है, वो भी आरोही के हिस्से की। तो अब अभिमन्यु को सब जानते हैं, कोई भी इतना बड़ा चेंज अभिमन्यु में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और ये चेंज ठीक भी तो नहीं है, आरोही जो कि गलत है उसका साथ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं कि जब अभिमन्यु अपनी अक्षु के खाते ये सब कुछ करते नजर आने वाले हैं, आरोही की इस बात को भी मानकर मनीष गोयनका से आरोही की गलतियों की माफी मांगते नजर आने वाली है, उसको माफ करने के लिए कहते नजर आने वाले हैं, तो अब अक्षु तक सच पहुंचना भी ज्यादा दूर नहीं है। साथ ही साथ आरोही की पोल खुलने में भी अब ज्यादा देर नहीं लगने वाली है कि आखिरकार ये सब कुछ आरोही का ही किया हुआ है, आरोही की ब्लैकमेलिंग ही है जिस वजह से अभिमन्यु को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जब अक्षु को इस प्रेगनेंसी वाले सच के बारे में पता लग जाएगा, जो कि अब वो किसी भी कीमत पर अभिमन्यु से निकलवा कर रहेंगे क्योंकि अब वो ससुराल की जगह मायके जो पहुंच गई है अपने अभिमन्यु से नाराज होकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जहां अक्षु मायके आई हुई है वो मायके में ही रह जाएंगी सच सामने आने के बाद, नहीं लौट पाएंगी अपने ससुराल अपने अभिमन्यु के पास। जाने के लिए रिश्ता देखते रहिए, मेरे साथ रहिए, सभी के लिए।